जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। एक ऐसा दरोगा जिसने 31 साल से 18 EWS प्लॉट पर कर रखा था कब्जा। जी हां, इस दरोगा ने वीरांगना नगर कॉलोनी में तकरीबन 4200 वर्ग फीट की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। हम आपको पूरा मामला बता दें। मेडिकल कॉलेज चौकी प्रभारी अमर सिंह यादव ने वीरांगना नगर कॉलोनी के 4200 वर्ग फीट की जमीन पर कब्जा कर रखा था। दरअसल दरोगा का कब्जा आज कल से नहीं बल्कि 31 सालों से है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राधिकरण के कॉलोनी बसाए जाने के बाद ही एक घर में डकैती पड़ी थी। नागरिकों की मांग पर यहां अस्थायी पुलिस चौकी प्रभारी बना दी गई। कुछ वर्ष बाद पुलिस चौकी हट गई, लेकिन सिपाही रहे अमर सिंह ने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। लोगों ने दर्जनों बार प्राधिकरण एवं नगर निगम में शिकायत की, लेकिन JDA जमीन खाली नहीं करा सका। लेकिन मई माह में दरोगा के इस अवैध कब्जे की फाइल फिर खुल गई। दरोगा को अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी हुए, लेकिन पद पर तैनात दरोगा बेफिक्र रहा। उसने कब्जा नहीं हटाया। बुधवार को दोपहर करीब 1:30 बजे JDA दस्ता बुलडोजर समेत वीरांगना नगर कॉलोनी पहुंच गया। दस्ते के साथ नवाबाद एवं कोतवाली पुलिस भी मौजूद थी। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी अमर सिंह भी मौके पर पहुंचा। मामला कोर्ट में निलंबित होने की बात करते हुए कार्रवाई रोकने की कोशिश की, परंतु JDA अफसरों के कागज मांगने पर वे कागज ना दिखा सके। इसके बाद दस्ते ने कार्रवाई करते हुए बाहरी बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर दी। यहां दो लोहे के गेट और 4 कमरे बने थे, इनको भी JCB ने ध्वस्त कर दिया। 5 घंटे चली कार्रवाई के दौरान निर्माण जमीन दोज कर दिया गया। झांसी से दीपक चंदेल के साथ ऋषभ यादव की रिपोर्ट।